तो दोस्तों, आज की कहानी है भोलानाथ की। इसका नाम है दर्पण। भोलानाथ एक होशियार होनहार बच्चा था जो अपनी माँ बाप की हमेशा सेवा करता था। उसके पिताजी टोकरियाँ बनाते थे और माताजी घर का सब काम करती थी, और पिताजी अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। भोलानाथ हमेशा परेशानी में रहता। उसकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी, वो अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा बने। हमेशा सोचता था दूसरों को लेकर कि मैं भी इतना पढ़ूँ। वह एक होटल पर काम करता था जिसका ओनर रहीम चाचा थे। रहीम चाचा कभी भी उसको उसके हिसाब से ही काम बताते थे, कभी उसको भारी भरकम काम नहीं देते थे। और रहीम चाचा उसको अपने पोते जैसा मानते थे। फिर भी वो अच्छे से काम करता था और वहाँ पे खाना पकाना आदि चीज़ें करता था। हमेशा सोचता था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी पढ़ा लिखा बड़ा बनूँ और बाकी बच्चों जैसा रहूँ। लेकिन उसकी गरीबी ये ना करने से मजबूर कर रही थी। फिर भी रहीम चाचा उसे हमेशा समझाते थे कि अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता, तुम्हें सब्र रखना चाहिए। एक दिन सुबह एक चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं और वो रहीम चाचा को पूछते हैं कि आप चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर इस बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं। तभी लड़का बोलता है कि अच्छा, तो फिर मेरी मजबूरी की वक्त किसी ने मुझे मदद की? जब मैं रेल पटरी पर जान लेने जा रहा था तो कौन मेरे मदद में आया? तब मेरी मदद करने कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर ने एक न सुनी और उनका शॉप बंद कर दिया। फिर वो उस लड़के को लेकर उसके घर गए, उसके माता पिता जी को सुनाने। तब लड़का उसको उनके घर लेके आया। घर पर उसकी माँ उसकी पसंद की सब्जी बना रही थी और उसके पिताजी को भी ये समझा रही थी कि हमारा भोलू कितना अच्छा है। तभी भोलू इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को लेकर उसके घर आता है और भोलू उसकी माताजी को आवाज़ देता है। तो माताजी सब देखने आती है वहाँ पे। तो इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि आपका बच्चा लेबर चाइल्ड एक्ट के अंदर आता है और आपको समझ में नहीं आता इतने छोटे बच्चे को लेकर आप मजदूरी करवाना चाहते हैं। उसकी माताजी भी उन्हें समझाती कि मैं मकान बनाने के वक्त दो मंजिली इमारत से गिर गई थी, तब मेरे घुटनों से मैं चल नहीं पा रही हूँ। भोलू भी ये बताता है कि मेरे पिताजी एसिड की फैक्ट्री में काम करते थे, तब से इनकी आंखें नहीं रही, एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई। ये कहते ही उस इंस्पेक्टर की आंखें खुलती है और उस ऑफिसर को कहता है मजदूरी और मजबूरी में बहुत फर्क है, आगे से ऐसा मत करना और किसी मजबूर को परेशान मत करना। और रहीम चाचा भी बताते हैं कि अल्लाह रहम दिल है। ऐसे कहते ही कहानी ख़त्म होती है।